मिर्ची की राख बनाकर मेरी बचपन से इच्छा है खाने की। ये क्या? मेरी नमक मिर्ची का राख कहाँ गया? मैं खा लिया हूँ। बदमाश शैतान, मुझे से मेरा राख खा लिया। तेरा गला आज मैं मरोड़ूंगी, उसका राख बनाकर खाऊंगी। रुक। मुझे बहुत भूख लगी है। अच्छा भैया, ये बताओ, तुम्हें हमेशा भूख ही लगा रहता है क्या? खाने के समय भूख नहीं लगता है, जब खा लेता हूँ तब बहुत भूख लगता है। ठीक है, रो मत, मैं तुम्हें एक दवाई देती हूँ, रुको। कौन सा दवाई? इस दवाई को खाने से तुम अपने मन पसंद जैसा रूप बदल पाओगे, समझे? दो 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 आम। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। ठीक है, गाय कहीं का। बहुत मजा आ रहा है, अब तो खाने की कोई चिंता ही नहीं है। वहाँ पे एक फल की पेड़ दिखाई दे रहा है। कितना मीठा है ये फल। पेट नहीं भरा, अब मैं मछली बन के तालाब में जाता हूँ। अब पेट भर गए। शैतान सरपंच कहीं का दो मुट्ठी चावल का बंदोबस्त करने के लिए बोला था, वो भी नहीं किया। एक नंबर का जल्लाद है, मैं चाचा कहकर भी पुकारा। अरे खड़ा खड़ा देख क्या रहा है, पूछना उसे क्या हुआ है। अरे भाई सुन रहे हो? हाँ, मुझे बुला रहे हो? हाँ, तुम रो क्यों रहे हो भाई, क्या हुआ है बताओ। मुझे बहुत भूख लगा है, सरपंच को जाके बोला हूँ कुछ खाने के लिए दो, मुझे भगा दिया है। ओह, इतना छोटा लड़का खाने के लिए मांगा है, उसे भगा दिया वो। मुझे बहुत भूख लगा है। ठीक है, तुम चलो हमारे साथ, हम लोग तुम्हारे खाने का बंदोबस्त कर देंगे। चलो। क्या करेगा तू, हम लोगों के पास तो कुछ भी नहीं है रे। हाँ चल ना, देखेंगे क्या कर सकते हैं। चलो भाई। फिर से भूख लग गया, अब क्या खाओ, बहुत भूख लगा है, पानी में मछली नहीं बचा, क्या करूं? घास खा लेता हूँ। अरे कितना आश्चर्य की बात है। भूत भाग, यहाँ से भागते हैं, चल यहाँ से भागते हैं। भूत चुप, खड़ा होके देख, देखने दे मुझे। अब पेट भर गया। तुम लोग कौन हो, यहाँ क्या चाहिए? जाओ यहाँ से जाओ। अरे सुनो,
गुस्सा क्यों हो रहे हो? हमारी बात तो सुनो सुनो। क्या बोल रहे हो? बोलो बोलो, जल्दी जल्दी बोलो। ये रतन है, इसको ना बहुत भूख लगा है। तुम्हारे जान पहचान में कोई है जो इसे कुछ खाने को दे दे? फिर से गांव में जाना पड़ेगा? नहीं 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 नहीं, नहीं। गांव में अगर गया तो मारेंगे। तुम लोगों का कोई जान पहचान का है तो मैं बंदोबस्त कर दूंगा। हम लोगों का पहचान का तो कोई नहीं, एक एक आदमी है, वही शैतान सरपंच। देखो अगर सहायता करे तो। चलो चलो तुम्हारे गांव में जाके देखते हैं सरपंच क्या सहायता करते हैं। चलो चलो यहाँ से, भागो भागो यहाँ से भागो। चलो मेरे साथ, अभी जाके मजा चखाता हूँ। रुको 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 रुको, अरे रुको रुको रुको, रुक जाओ भाई रुक जाओ। अरे रुक रुक रुक, मेरे सारे फसल क्यों खा रहा है? रुक रुक जा, मेरा फसल क्यों खा रहा है? अरे नहीं 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 नहीं, रुक 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 रुक, मत खा मेरी मछली। अभी भी मेरा पेट नहीं भरा। ऐसा मत करो, रुको रुको, मेरा बात सुनो। तो फिर बताओ, रतन को खाना दोगे ना? देंगे, सबको देंगे, क्यों नहीं खिलाएंगे? गांव में सिर्फ रतन नहीं, गांव में जितने गरीब हैं सबको खिलाऊंगा। तो फिर ठीक है। मैं तुम लोगों से माफी चाहता हूँ, मैं जिंदगी में ऐसा नहीं करूँगा। अगर करूँ तो सजा देना, ठीक है? मैं वादा करता हूँ तुम लोगों में से कोई भूखा नहीं रहेगा जब तक हूँ मैं इस गांव में, समझे? ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है। आता होता आधा भोला। हाँ, ये तो टब्बू है, यहाँ पे बैठकर अकेले अकेले कॉमिक्स पढ़ रहा है। आज मैं उसका किताब छीन कर ही रहूंगा। तेरा किताब मेरे पास है टप्पू, अब ये मेरा है। गब्बू मेरा किताब मुझे दे दे। गब्बू किताब लेना चाहता है तू? इन कांटों के झाड़ियों से ले ले तू। इसमें कितने बड़े बड़े कांटे हैं, कैसे उठाऊं? ध्यान से टब्बू, कांटों से तेरा किताब न फट जाए। बहुत मुश्किल से कांटों की झाड़ियों से किताब को निकल कर लाया हूँ, अब मैं आराम से पढ़ूंगा। लेकिन ज्यादा देर नहीं टब्बू। जल्दी मेरा किताब वापिस कर दे गब्बू, वरना मार मार कर तेरा हड्डी पसली कर दूंगा। अब तुझे अपना किताब गड्ढे से निकलना होगा टब्बू। मेरे किताब गड्ढे में फेंक दिया वो। टब्बू अभी भी सबक नहीं सिखा है, अब मैं तीसरा बार उसका किताब छीनूंगा। फिर से तू कमिक्स पढ़ रहा है? दे मुझे। अब तू ये किताब कभी नहीं वापिस पाएगा, मैं इसे फाड़ दूंगा।
गब्बू गब्बू ये तूने क्या किया, ये कॉमिक्स मेरा नहीं है। तेरा इतना बड़ा हिम्मत, मेरा कॉमिक्स मेरे सामने फाड़ा तू? नहीं नहीं मुझे पता नहीं था, भागो 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 भागो। मेरे से बचकर तू कहाँ भागेगा गब्बू, रुक मैं आ रहा हूँ। अब मजा आएगा देखने में, मैं भी जाता हूँ। हाय हाय मैं तो मर गया रे, अब मैं ऐसा दोबारा नहीं करूँगा। किताब पढ़ने से ज्यादा मजा आंखों के सामने देखने में है गब्बू। आज मौसम बड़ा सुहाना है, चारों तरफ सुन सन्नाटा है। हाँ क्यों, शहर के इस तरफ कोई ज्यादा आता जाता नहीं है, इसीलिए यहाँ पे ज्यादा सुन सन्नाटा है। इतने सुन सन्नाटे में घूमने में अच्छा लग रहा है। अरे खुशी, वो पोस्टर जरा देखना क्या है। अरे हाँ सच में, चल जाके पास जाके देखते हैं। अरे इस पोस्टर में लिखा है कि एक बकरी चोरी हो गई है, अगर इस बकरी को ढूंढ के देंगे तो इसका मालिक हमें ढेर सारा पैसे देगा, चल जाके देखते हैं। हाँ ठीक बोल रहा है, ये ठीक रहेगा, चल समय नुकसान ना करके बकरी खोजते हैं। पोस्टर देखे हो लुशी? हाँ, उस बकरी को कैसे भी करके हमें ही ढूंढना पड़ेगा, वरना वो पुशी उस बकरी को ढूंढ कर रातों रात हीरो बन जाएगा और पैसे वाला भी। चल हम लोग ढूंढते हैं। क्या हुआ बकरी लाल, कैसे हो, हाल चाल ठीक है ना तुम्हारा? हाँ नमस्ते मैडम जी, ठीक नहीं है मेरा हाल। क्यों ऐसे क्यों बोल रहे हो तुम? क्या मैं बताऊं मैडम, दो दिन हो गया मेरा बकरी नहीं मिल रहा, क्या करूं मैडम, कहां मैं ढूंढूं उसे, मेरा छग्गू को। आप चिंता मत कीजिए, खोजिए वो जरूर मिल जाएगा आपको। ठीक है मैं चलती हूँ, घर पे दो बिच्छू अकेले पड़े हुए हैं, ठीक है। कब से मैं गाय को ढूंढ रहा हूँ, फिर भी मुझे बकरी नहीं मिली, क्या करूँ? पागल, गाय ढूंढेगा तो बकरी कहाँ से मिलेगा, अब हमें बकरी ढूंढना पड़ेगा। देखो देखो पुशी, झाड़ी के पास। अरे सच में, रुक कुछ सोचने दे मुझे। एक डंडे में रस्सी लगा के अगर फंदा बनाऊं तो कैसा होगा, बता बता मुझे। लेकिन तुझे पता है इस बकरी का ना रिकॉर्ड बड़ा ही बेकार है, ये इससे पहले बहुतों को मारा है अपने सिंग से, बिल्कुल ये अपने मालिक जैसा गंवार है। गलत मत सोचिएगा बकरी भैया, आपको लेके सभी बहुत चिंतित है। आप एक काम कीजिएगा, इस पत्ते को चबाते चबाते मेरे साथ चलिएगा। हाँ बताइए। मैं ये तो बात विचार करने में तो अच्छा है और बड़ों की इज्जत करता है, मुझे भैया बोला। मैं चलता हूँ इसके साथ। बस ये बकरी तो मिल गया, यही है वो। अच्छा ये पुशी का ही काम है,
अब क्या करोगे लूची? मुझे बेवकूफ बना के पुरस्कार हासिल करना चाहता है। रुक रुक, मैं अभी जाके कुछ करता हूँ। ए बकरी, यहाँ पे तुझे पूसी ने लेके आया है ना, अब बात मत बढ़ा, चुपचाप मेरे साथ आ। मैं तुझे तेरे मालिक के पास पहुँचा के वहाँ से पुरस्कार लेके पेट भर के खाना खाना चाहता हूँ। हम दोनों पेट भर के भोजन करेंगे। तेरे दिमाग में बात आई कि नहीं आई कि कील ठोक के समझाऊं तुझे? बोल, चल मेरे साथ। मैं हाँ, तू ज्यादा बोलता है। जितनी बड़ा तेरा मुंह नहीं उतनी बड़ी बात। तू मेरे दिमाग में कील ठोकेगा, मैं अपना दोनों सींग तेरे दिमाग में ठोक दूंगा। तू मेरे मालिक के पास मुझे पहुंचा के पुरस्कार लेना चाहता है, पेट भर खाना खाएगा। अभी मैं तेरा पेट फाड़ता हूँ अपने सींग से। मैं रुक रुक। अरे बाप रे बाप, बाप रे बाप, बचाओ बचाओ इस बकरी से, बचाओ। हाँ मेरे चिंगू बेटे, दो दिन से तू कहाँ था? तुझे मैं कहाँ नहीं ढूंढा। तेरे लिए मैं कितना परेशान हो गया है तुझे मालूम है? ये लो तुम लोगों की पुरस्कार, ये लो 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 लो। पूछी, अब हम लोग क्या करेंगे बताओ? क्या और करेंगे, पहले जाके रेस्टोरेंट में पेट भर के खाना खाएंगे। अगर उसमें से कुछ पैसे बचेंगे तो लूसी के लिए जाके एक दर्द की गोली लेके आएंगे। क्यों लूसी, ठीक बोल रहा हूँ? बेचारा, देख के उसको बड़ा ही दया आ रहा है, कैसी अवस्था में पड़ रहा है। तारा नगर का राजा महाबली था एक सच्चा वीर व्यक्ति। उसकी एक छोटी बेटी थी जानकी, वो अब बड़ी हो चुकी है। महाराज, देखते देखते जानकी बड़ी हो चुकी है, अब उसका विवाह का तैयारी कीजिए महाराज। युवराज, आप क्या कहते हैं? हम भी यही चाहते हैं, लेकिन हम अलग तरीके से अपनी बहन का विवाह करना चाहते हैं। महामंत्री, आप क्या कहते हैं? जो आप लोगों को अच्छा लगे महाराज। ठीक है, तो ऐसा ही होगा। अगले पूर्णिमा के दिन आप राजकुमारी की स्वयंवर आयोजन कीजिए और ये समाचार पास के सभी राज्य में दूत के जरिए भेज दीजिए। जो क्या महाराज? राजा के कहने के अनुसार सभी राज्य में दूत के जरिए स्वयंवर का समाचार भेज दिया गया। सभी राज्य से राजकुमार आने लगे, स्वयंवर की तैयारी होने लगी और ये समाचार बीन पर्वत पर भी पहुंच गई एक दानव के पास। ओम ह्रीं क्लीं फट, ओम ह्रीं क्लीं फट, पर्वत सर्वधनमस मनस स्वाहा। आदेश प्रभु। मैं इस पृथ्वी की सबसे सुंदर कन्या से विवाह करना चाहता हूँ। बताओ उस सुंदरी का नाम क्या है, कहाँ वो मुझे मिलेगी? पृथ्वी की श्रेष्ठ सुंदर कन्या है जानकी, वो तारा नगर के राज्य की राजकुमारी है और अगले पूर्णिमा को स्वयंवर है। उससे पहले आपको उसका हरण करना होगा। राजकन्या से स्वयंवर करने के लिए देश विदेश से राजकुमार आए। उनमें से एक राजकुमार बहुत बुद्धिमान था। वो राजकुमार राजकुमारी से पूछने लगे, राजकुमारी
मेरे पास एक विशेष रथ है। उस रथ पे आप चढ़कर आप पूरी दुनिया घूम सकती है राजकुमारी। सच में विश्वास नहीं होता। चलिए आपको मैं अपने रथ पे बिठा के पूरा दुनिया घुमाता हूँ। ठीक है चलिए तो फिर। राजकुमारी मैं बहुत ज्ञानी व्यक्ति हूँ। कौन सा ज्ञान? मैं एक साधना से दूर के चीजों को ढूंढ सकता हूँ। एक और युवराज आए, वो तीरबाजी में वीर थे, वो छोटी सी चींटी को लेकर दानव तक को भी मार सकते हैं। आ गया स्वयंवर का दिन, लेकिन उस दिन एक घटना घटी। राजकुमारी मिली है, मैं उससे विवाह करूंगा। ये क्या हुआ मेरी बेटी के साथ? अब चिंता मत कीजिए महाराज, मैं देखता हूँ राजकुमारी कहाँ है। महाराज राजकुमारी को दानव बिन पर्वत की गुफा में कैद करके रखा है। लेकिन उतना दूर कैसे जाएंगे? महाराज मेरे पास ऐसा एक दिव्य रथ है जिससे आप इसी वक्त पहुंच सकते हैं। महाराज ठीक है चलो तो फिर। वो रही महाराज राजकुमारी। लेकिन वो खतरनाक दानव वहीं पे पहरा दे रहा है। उसके बाद राजा राजकुमारी को और तीनों राजकुमार को साथ में लेकर रथ में बैठकर वापस चले गए। तो बोलिए महाराज, तीनों राजकुमारों में से विवाह लायक कौन था? जो तीर मर के दानव का वध किया था वो ही विवाह के लायक था, और दोनों राजकुमारों ने राजकुमारी तक पहुंच सकते थे लेकिन दानव से बच नहीं सकते थे, इसलिए तीर वीर वाले नहीं होते तो राजकुमारी नहीं बच सकती।